आदाब, मेरा नाम है रीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में बम्पर सीटों के साथ जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी में अब बड़े बदलाव करना शुरू कर दिए हैं। शनिवार को टीएमसी में हुए कई बड़े बदलावों को पब्लिक कर दिया गया, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अभिषेक इससे पहले टीएमसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, लेकिन महासचिव बनने से ये जगह खाली हो गई, इसलिए इस पद के लिए पार्टी ने कलाकार सयानी घोष को चुन लिया है। विधानसभा चुनाव में भी सयानी को टिकट मिला था, लेकिन वो हार गई थी। ये बदलाव काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले 3 सालों में कोई भी बड़ा चुनाव बंगाल से नहीं जुड़ा है, इसलिए शायद ममता ये समय युवा नेताओं को भविष्य के चुनावों के लिए तैयार करने में लगाना चाहती हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से अभिषेक के लिए राजनीति में जगह बनाती आ रही हैं, उससे ये चुनाव से पहले ही स्पष्ट हो गया था कि अभिषेक के कंधों पर पार्टी का भविष्य निर्भर करेगा। इस वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने दोनों को चुनावी रैलियों में खूब घेरा था। जब चुनाव के परिणाम आए तो ये पक्का हो गया कि अभिषेक को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब जिस तरह से अभिषेक को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है, उस पर पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी ने कहा कि अभिषेक ने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है और उनको इसके लिए पूरे नंबर मिलते हैं, वो इस नए पद के लायक भी हैं। बताया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब टीएमसी की सीटें 34 से गिरकर 22 पर आ गई थी, तब पार्टी में बदलावों के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लाने का श्रेय भी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही जाता है, जिसके बाद प्रशांत ने सलाह दी कि युवा और शिक्षित लोगों को तैयार करें और उनको प्रोजेक्ट करें, जिसकी वजह से कई पुराने नेता पार्टी से बाहर हो गए और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभिनेत्री सयानी घोष ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही राजनीति में आने के लिए टीएमसी को चुना, लेकिन उनका जादू चुनाव में नहीं चल सका और वो हार गईं। हालांकि फिर भी सयानी को युवा टीएमसी का अध्यक्ष पद दिया गया है। माना जाता है कि सयानी की भाषण देने की कला बहुत ही अच्छी है। सयानी घोष पहली महिला होंगी जो 1998 में बनी पार्टी टीएमसी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद को संभालेंगी। आपको बता दें कि जब ममता ने कांग्रेस छोड़कर 1998 में टीएमसी बनाई थी, उससे पहले वो भी कांग्रेस में युवा मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सयानी ने इस बड़ी जिम्मेदारी पर कहा, मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी की मैं आभारी हूँ, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगी। सयानी को जिम्मेदारी देकर माना जा रहा है कि इससे न केवल टीएमसी में युवाओं का उत्साह बढ़ेगा, बल्कि महिलाओं का भी राजनीति में उत्साह बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीपीआईएम के राज्यसभा सदस्य रीता बर्ता बनर्जी, जिन्होंने 2018 में टीएमसी ज्वाइन की थी, उन्हें पार्टी के ट्रेड यूनियन विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बनर्जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने उत्तर बंगाल के ज़िलों में संगठन की ताकत को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है, जहाँ 2019 में बीजेपी ने गहराई तक पकड़ बना ली थी। वहीं फेमस फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती, जिन्होंने बैरकपुर सीट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उन्हें टीएमसी के सांस्कृतिक मोर्चा का हेड बनाया गया है। काकोली घोष, जो 3 बार सांसद रही हैं, उन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष संभालने को दिया गया है। राज्यसभा सदस्य डोला सेन को ट्रेड यूनियन फ्रंट का नेशनल हेड बनाया गया है। दिग्गज नेता पूर्णेंदु बोस को चुनाव में नहीं उतारा गया था, लेकिन उन्हें किसान मोर्चा का प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर आपके लिए हमारे साथी ब्रजेश गोस्वामी ने लिखी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। Twitter और Instagram पर आप हमें @ मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।